वहीं प्रदेश में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जयपुर के कई इलाकों में कचरे का निस्तारण नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती मस्ट्रॉल के आधार पर हो। वहीं सफाई कर्मचारी की बहाली में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। आप इस मामले को लेकर के हमारे संवाददाता वीरेंद्र ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में सफाई कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन है और इसी हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो मुख्य मार्ग हैं वहां पे कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस हड़ताल के चलते उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम? मेरा नाम हर्षा शर्मा है, मैं यहीं पर जॉब करती हूँ। इस गंदगी की वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पे क्लाइंट विजिट तक नहीं करना पसंद करते। हम लोग आज गोपाल बाड़ी में खड़े हैं, ये हार्ट ऑफ द सिटी है, ये हेरिटेज लोकेशन है, यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं सिर्फ विजिट करने के लिए। हथरोई फोर्ट यहाँ पे बहुत फेमस है, स्टिल यहाँ पे लोग आने के बाद में यही फोटोज लेके जाते हैं एंड अपने अदर अदर कंट्रीज में दिखाते हैं कि दिस इज़ जयपुर। तो आई डोंट फील कि जयपुर में ये गंदगी एंड ऑल होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। तरीके से सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, तो क्या कहेंगे, उनकी जो एक हड़ताल का रास्ता अपनाया है वो सही है? हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, बिकॉज जो चीज़ें उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से वो हड़ताल करें, जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट उनसे बैठ के डिस्कशन किया जाए, कुछ सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये गंदगी हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार और जो सफाई कर्मी हैं उनके मध्य वार्ता होनी चाहिए, जिससे क्या है कि बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। सर, मैं आपसे भी बात करूंगा कि क्या कहेंगे, क्योंकि ये हड़ताल है, पिछले आज दूसरा दिन है, जगह जगह पे कचरे के यहाँ पे नहीं है, सभी पूरी जयपुर में गंदगी बहुत, ये ना ये कचरा जगह जगह पड़ा हुआ, ये गंदगी बहुत हो रही है जयपुर में, मच्छर से बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी हो रही है जगह। और बारिश का सीजन अलग, बारिश तो वैसे नहीं आ रही, और गंदगी हो रही इससे ज़्यादा, बारिश आएगी तो पता नहीं और ज़्यादा गंदगी। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अभी आप तो जगह जगह घूमते भी हैं क्योंकि आप ई रिक्शा चलाते हैं, टूरिस्ट भी घूमते हैं, तो टूरिस्ट वगैरह क्या फीडबैक देते हैं? बोलते हैं आपके जयपुर में बहुत गंदगी है, जाने का इच्छा नहीं होती इनकी। अच्छा, इधर ज्यादा गली में जाते हैं तो इच्छा नहीं होती उनकी, कहीं बहुत गंदगी है जयपुर के अंदर। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ई रिक्शा चालक हैं, जो अपने ई रिक्शा के माध्यम से जो आम जो पर्यटक आते हैं उनको पूरे जयपुर की विजिट करवाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये फीडबैक सुनने को मिलता कि जयपुर में काफ़ी जगह कचरे के ढेर है और जो उसकी बदबू होती है उसकी वजह से पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि हड़ताल कितने दिन तक रहती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। फारूक, जिस तरीके से ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, हड़ताल को क्या सही मानते हो सफाई कर्मियों की? देखो, अगर वो अपनी मांगों पे अगर कोई चीज़ अड़चन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपनी मांगे सही मांग रहे हैं बिल्कुल, और गवर्नमेंट को उनकी सुविधा जो भी है वो उपलब्ध करवाई जाए, ताकि ये जयपुर राजस्थान का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत शहर है, ताकि लोगों जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के म्यूज़ियम देखने के, भाई राजस्थान बहुत अच्छा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है राजस्थान के अंदर। सड़कें देख लो या कचरे का ढेर देख लो, कोई भी हर चीज़ देख लो, राजस्थान के अंदर ओनली फॉर गंदगी है। सफाई की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि जगह जगह पे सड़कों के किनारे ये गंदगी फैली हुई है, तो आप जगह जगह पे घूमते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं आप सब लोग, तो क्या कुछ टूरिस्ट कहते हैं आपको? टूरिस्ट यही कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने राजस्थान में, जयपुर में आकर हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, इससे बढ़िया हमारा बोले सूरत, गंदगी की वजह से बोले सूरत सबसे बेस्ट नंबर पे, बोले इंदौर चल जाओ, बाकी इतना गंदगी जितना जयपुर के अंदर है बाकी और कहीं पे भी नहीं है। लेकिन एक तरफ तो निगम दावा कर रहा है कि हम जल्द सूरत और जो इंदौर है उनको पीछे छोड़ेंगे। नहीं नहीं, सूरत का मुकाबला और बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा, तय दिल से। जब बेंगलोर और सूरत वहाँ ऐसा है कि वहाँ कचरा फेंकना या गंदगी करना अलाउ नहीं है, और ना वहाँ गवर्नमेंट ओनली खुद सफाई पूरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल, देखिए जो टूरिस्ट हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गंदगी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी हैं, बाबू जी क्या करते हैं आप? उठाते हैं। अच्छा, ये कचरा वगैरह उठाते हो, तो हड़ताल है तो फिर अभी अभी खुली है 11 बजे से। हाँ, अभी 11 बजे खुली है। तो आप क्या हड़ताल को सही मानते हैं?
अब वो तो पता नहीं किस मामले में हुई है मेरा, हमारे को तो क्या नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, क्योंकि जिस तरीके से जो आपके सफाई कर्मियों के जो कह सकते हैं कि पूरे लोग हैं विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जो भर्ती होने वाली है 24,000 के करीब, उन भर्तियों में वाल्मीकि समाज को है वो तरजीह दी जानी चाहिए, क्या वाकई में उनकी मांग सही है? ये तो जायज़ है वैसे तो, अगर वो मांग कर रहे हैं तो जायज़ है। वो तो ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी सफाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको कचरा उठाने के लिए आ गए अभी। वो क्या है कि हम वो सफाई कर्मचारियों की है, कचरा उठाने वाले के लिए। अच्छा, वो हमारे को रोक दिए थे जो भाई, चलो रुक गए थे हम, उनकी बात भी माननी पड़ी है, फिर खुल गई है, फिर हम आ गए। तो आप निगम की तरफ से? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, प्राइवेट कंपनी से? प्राइवेट। तो आपको कौन मतलब हायर करता है, निगम या फिर? लेकिन निगम से ही होता है हायर। अच्छा, तो आप हड़ताल को जायज मानते हैं कि नहीं? नहीं जायज, मानने को, मानने की चीज हो तो उसको मानना ही पड़ता है, नहीं मानने की चीज हो तो उसको नहीं मानना पड़ता। बिल्कुल, देखिए जो हड़ताल है वो एक कोई किसी भी बात को रखने का एक तरीका नहीं होता है। इस हड़ताल के चलते आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक रास्ता ये है कि सरकार और जो सफाई कर्मी हैं उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनको सुनकर एक बीच का रास्ता है वो निकाला जाए, और उससे जो आम जनता को परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं उस परेशानी के अंदर निजात मिल सके। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।